आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एनसीसी रैली में बोले पीएम मोदी, मां भारती युवाओं से आह्वान कर रही है ब्रह्मांड हथेली पर उछाल। फिल्लौर में बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में आपने चुन चुन कर ईमानदार लोगों को दिया ठिकाना। अमित शाह ने बाबा रुद्रनाथ मंदिर में की पूजा, रुद्रप्रयाग में घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। दो चरणों में होगी रणजी ट्रॉफी, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने दी जानकारी। कोरोना के मामलों में आज फिर गिरावट, 24 घंटे में करीब 2.5 लाख के सक्रिय मरीज भी हुए कम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अयोध्या में विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ दिन रह गए हैं। इस बीच अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसको लेकर अयोध्या में कांग्रेस की महिला नेता मधु पाठक को बीकापुर से टिकट मिलना था। जब इसकी खबर चैनल पर चली तो सदमे में आ गए, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस की महिला नेता मधु पाठक ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे धोखा दिया है। जो शीर्ष नेता हैं यहाँ के बरगद बटबिरिज, उन्होंने हमको धोखा दिया। वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, बना दिए गए हैं, सपा से आए हैं और आते ही वो मेरे ही पीछे पड़े हैं। मुझको न निर्मल खत्री से पूछा गया, न महिला प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया, ममता चौधरी से। मुझे जिला अध्यक्ष से हटा करके उमा सिंह को बुलाए, लाके जिला अध्यक्ष बनाए। बाकी जब से ये आए हैं अखिलेश यादव, महिला विरोधी हैं और इनको नई नई लड़कियां आनी चाहिए पार्टी में। तो विरोध लगा लीजिए कि ये किस टाइप के आदमी हैं, कैसे हैं जिलाध्यक्ष, सबको मालूम है। निर्मल खत्री को मालूम है, अभी सुबह आए थे निर्मल खत्री आज, और मुझे मालूम नहीं, मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ, किस तरह बैठी हूँ, खट से मेरा फोटो खींच लिया गया और फोटो खींच के डाल दिया गया फेसबुक पर। तो उसका काट मैंने तुरंत डाला है कि वहाँ अस्पताल गए देखने, अस्पताल से घर आए देखने, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, मेरा टिकट भी काट दिया, मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया। वो तो चाहते हैं कि मैं घर में रहने भी न पाऊँ, घर से निकाल दी जाऊँ तो वो मजा ले। तो कांग्रेस में गुटबाजी बहुत तेज है और जब तक निर्मल खत्री रहेंगे, ब्राह्मण और महिला कभी नहीं पनप पाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी में फैजाबाद में कुछ रह नहीं गया, कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिए और देख लीजिएगा पांचों विधानसभा जमानत जब्त करके। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा से जनसत्ता पार्टी के विधायक प्रत्याशी फिरोज अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोज अंसारी को अखिल ब्राह्मण महासभा का खूब समर्थन मिल रहा है और साथ ही फिरोज अंसारी ने कहा कि हमारे विधानसभा में बहुत से कार्य अधूरे हैं, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक कार्यक्रम हमारे जो है कि प्यारे भाई मोहम्मद फिरोज जी को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी घोषित करने के संदर्भ में है और प्रत्याशी जब बन जाएंगे तो इनको विधानसभा में भेजने का कार्य किया जाएगा। पूरे ब्राह्मण समाज एकदम ये चाहता है कि कोई ऐसा दल, कोई ऐसा नेता चुना जाए जो सारे दल से हटकर हो, अलग हो और ईमानदार हो, कर्मठ हो, सुयोग हो, शिक्षित हो। जी जय परशुराम किनारे और ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज इनके साथ जुड़ा है और जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज अपना न्याय खोजने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि 5 साल में बहुत प्रताड़ित हुआ है ब्राह्मण समाज, अब उसको न्याय चाहिए। तो गाना तेजी से वायरल हो रहा है तो हम ये नेहा सिंह राठौर जी से कहना चाहेंगे कि यूपी में का बा, यूपी में बहुत कुछ बा, यूपी में कुछ नहीं बा, बिहार में बहुत कुछ बा और बिहार में कुछ नहीं बा, यूपी में धर्मस्थल बा, अयोध्या बा, मथुरा बा, तमाम तरह के काशी बा, विद्वानों के नगरी बा, समस्त ब्राह्मण समाज के गुंजार बा, जय परशुराम के नारा बा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा युवाओं का, जो युवाओं का हनन हो रहा है हमारे विधानसभा में या हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो जाति समीकरण है जो है,
इसको ख़त्म करना है हमको। नहीं देखिए, हमें सभी जातियों का समर्थन हमको मिल रहा है, इसमें एक आदमी नहीं है, सभी है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, ठाकुर है, दलित है, सबका समर्थन हमको। खबर औरैया से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने नारे लगाते हुए किसानों ने कहा कि नाला नहीं तो वोट नहीं के साथ काले झंडे लगाकर चुनाव का बहिष्कार भी किया। आगे किसानों ने कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गाँव की तरफ देखने तक नहीं आते। प्रदर्शन नाला जल भराव की वजह से। कहाँ पर जल भराव है? पसया गांव। तो आपने अभी तक शिकायत की गई? खूब शिकायत करी गई। किससे कहा आपने? हर अधिकारी से सूचना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है और ना कोई कार्य है। नाला न बटने से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? नाला न बटने से हमारे यहाँ सब समस्या सुलझ जाएगी। हम एकत्रित इसलिए हुए हैं कि मेरे ग्राम पसया में कोई सरकार आई आज इतने तक, ना विधायक जी ने, ना SDM ने, और किसी ने मेरी नाला की कोई सुनवाई आज दिन तक नहीं की है। आप लोगों ने कहीं शिकायत की? शिकायत की SDM साहब से की है, DM साहब से की है, विधायक जी से कही, जो राज्य मंत्री रहे अभी तक उनको भी अवगत कराया, लिखे पत्र रखे, पेपर में निकली, सब जगह आज दिन तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है साहब। कौन राज्य मंत्री से कही है आपने? श्री लाखन सिंह राजपूत जी से। आपके क्षेत्र? खबर सुल्तानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक अनूप संडा को प्रत्याशी घोषित किया है। इस दौरान संडा ने अपने चुनाव कार्यालय पर सेक्टर प्रभारियों को संबोधित करते हुए भाजपाइयों को निशाने पर लेते हुए शिव तांडव स्त्रोत पढ़ा और भाजपा नेताओं को खुली चुनौती देते हुए शिव तांडव स्त्रोत को दोहराने की बात कही। अभी योगी जी एक जगह रुद्राष्टक पढ़ रहे हैं, पहला श्लोक भी नहीं पढ़ रहे, और उससे भी कठिन माना जाता है शिव तांडव श्लोक। शिव तांडव श्लोक आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। चटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम रमट डमट 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 निनाद वड वर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुना शिवा शिवम चुनौती देता हूँ कि भाजपा के किसी नेता को आओ तो इतना दोहरा करके दिखाओ। हमसे ज्यादा हिंदू बताओ। महोबा में तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज दो बड़े दल कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम के साथ CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब तक 33 नामांकन पत्रों की बिक्री हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महोबा सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह ने भी सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त SDM सहित पुलिस की मुस्तैदी रही है। मंशा साफ है, महोबा के विकास के लिए, महोबा की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, जैसे कि सबसे पहले टिकट डिक्लेयर हुआ था उसी तरह सबसे पहले नामांकन किया है। मैं कह रहा हूँ कि दिन पर दिन दबाव हल्का होता जा रहा है, जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा होती जा रही है। दबाव पहले अकेले चुनाव लड़ने का था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी प्रत्याशी आ ही ना पाएँ। अब धीरे धीरे पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि कौन कौन मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा, तो दिन पर दिन दबाव हल्का होता जा रहा है। और मुझे लगता है जैसे ही बसपा या आम आदमी पार्टी और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर देंगे तो दबाव नाम की चीज़ रह ही नहीं जाएगी। चुनाव बिल्कुल साफ है, खुला हुआ है, महोबा आशीर्वाद दे रहा है। संदेश साफ है, विकास और उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भूमाफिया मुक्त, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसी तरीके से जो राम राज की कल्पना उसको धरातल पर उतारना, जो हमारे मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, जो हमारे पार्टी की गाइडलाइन है उसी पे काम करना है, और अपने चरखारी विधानसभा के किसान भाइयों की जो खेत उनके फैक्ट्री होती हैं उनकी फैक्ट्री को मजबूत करना है, जिससे कि हमारे किसान भाई साल में।
खबर हाथरस से है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी को गोली मार दी गई। वहीं पत्नी की मौत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दोनों को उस समय गोली मार दी गई जब वो थान पर दीपक जला रहे थे। पति गंभीर रूप से घायल है। परिजनों और पुलिस की तरफ से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या हुआ, हुआ क्या इनके साथ? गोली मारने का कारण क्या, क्यों मारे गोली? जमीन के चक्कर में 6.5 लाख रुपया ले ले मेरे बच्चे। अब बाकी धमकी दे के गोली मार दे मेरे बहू में और बेटा में। खबर संभल से है, जहां पर बसपा की असमोली विधानसभा से प्रत्याशी नेता रफत उल्ला खान नामांकन करने पहुंचे। नेता रफत उल्ला खान ने कहा कि तहसील बनाने के नाम पर पिछली बार असमोली की जनता का वोट ले लिया गया। वहीं जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि सपा का 300 यूनिट फ्री बिजली केवल जुमला है, बसपा ऐसे वादे नहीं करती, वो करने में यकीन रखती है। सपा को लोग देख चुके हैं 2012 में कि किस तरीके से इन्होंने गुंडा राज कायम रखा था। आज बीजेपी की सरकार है, इसको भी जनता देख चुकी है और बहन मायावती की तरफ को जनता देख रही है कि कब बहन जी जो है हमारा जो है उद्धार करें। आपको नहीं लगता 300 यूनिट बिजली का जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, सब जानते हैं ये जनता जानती है। एक तो ये जो है कहना चाहिए, ये तो एक लॉलीपॉप है। 52% वोट बसपा का विधानसभा में मुस्लिम और दलित, एक तो ये, और एक जो विधानसभा में 10 साल से बैठी है ना, ना किसी के गम में ना खुशी में आती ना आए घर से निकल के, वो तो ये समझ लिए घमंडी में कि मैं तो मेरे वोट बंधे पड़े। शायद उसके आपका पता चल जाएगा, कहीं मुसलमान के गांव में एक रुपया न लगाया है ना आई है। सुरकंदी सरा देख लो, बिलाल खबर अलीगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने भाजपा विधायक और प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि और सांसद सतीश गौतम की गाड़ियों को घेर कर सांसद और विधायक दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीणों ने इस मौके पर उनके पुतले भी जलाए। तो भाजपा विधायक और सांसद का विरोध किया गया है, दोनों के ही पुतले भी जलाए गए और जमकर विरोध किया गया है। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर जनता नाराज नजर आ रही है। प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि और सांसद सतीश गौतम की गाड़ियों को घेर कर सांसद और विधायक दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। काफी आक्रोश देखने को मिला लोगों में। खबर औरैया से है, जहां पर चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर यातायात पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वाहन चेकिंग के अलावा यातायात पुलिस ने वाहनों पर लगी काली पन्नी को भी हटवाया है। पुलिस के उपनिरीक्षक देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। वाहनों की चेकिंग की गई है। अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली में खेत की रखवाली कर रहे दो किसानों की हालत बिगड़ने के बाद एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे किसान को जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद की शिकोहाबाद से भाजपा से बनाए गए प्रत्याशी ने ओम प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि नामांकन के बाद मीडिया से ही रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बाहुबलियों से पैसा लेकर फिरोजाबाद से कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं। आप भी सुनिए भाजपा प्रत्याशी ने ये बयान क्या दिया है। जनता जिस गांव में मैं जाता हूं, उस गांव में अकेले कोई ऐसा नहीं है। मैं यादवों को भी कह रहा हूं, यादव मुसलमान वो भी मुझे वोट दे रहे, क्योंकि ये जो 5 वर्ष में
योगी दान जी ने मतलब काम किया है, और इन्होंने ये कहा कि आई आए अखिलेश, दूसरों को जैसे मालूम पड़ा था यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगा देंगे, सरकार बन जाएगी तो, मगर जनता ने बाकी और लोगों ने तय कर लिया है कि हम अच्छे आदमी की हम सरकार बनाएंगे। जिस तरीका से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसके आधार पर जनता हमारे साथ। बी टीम है, बी टीम है, आपको मालूम नहीं मेरे सामने कैसा प्रत्याशी उतारा है, सिरसागंज से कैसा प्रत्याशी उतारा है, सिरसागंज जसराना से कैसा प्रत्याशी उतारा है, टूला से कैसा उतारा है और फिरोजाबाद से कैसा उतारा है। बी टीम नहीं है तो क्या है, हमारा सहयोग कर रहे हैं वो, क्या इसमें बड़ा क्या है, सब कलई खोल गई है। बच्चा बच्चा जानना है इस फिरोजाबाद का, बच्चा बच्चा ये जानना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का को पांचों सीटें गिफ्ट में दे दी, उसमें अक्षय यादव और आदरणीय प्रोफेसर, बी टीम भाजपा, पांचों टिकटों को बेचा गया है, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ही नहीं अकेला, मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, इस वजह से आप समझ रहे होंगे। जनता जिस गांव में मैं जाता हूँ उस गांव में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।